गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग योर लाइफ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लेकर आया मैं आपके लिए माइनक्राफ्ट का बिल्कुल एक नया वीडियो। तो गाइज आज हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट के लिए जो आज हम लोग जो बनाने वाले उसके लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो सब मैंने जो है कलेक्ट कर लिया। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बी हाउस। हो गए तो बी हाउस के लिए जितना भी मटेरियल जो लगता है वो सब जो है मैंने ऑफलाइन में कलेक्ट कर लिया। तो उसके लिए हमें चाहिए येल्लो कॉन्क्रीट। ओके, ढेर सारा येल्लो कॉन्क्रीट। फिर उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक स्टेन ग्लास। फिर उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक कॉन्क्रीट। फिर ब्राउन कॉन्क्रीट। ओके, तो ये सब मटेरियल जो है हमें लगने वाला है एक बी हाउस बनाने के लिए। तो बी हाउस का ख्याल मेरे दिमाग में ऐसे है कि बी फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक हाउस बनाना ही पड़ता है। ओके, बी फार्मिंग के लिए तो मैंने सोचा कि बी फार्मिंग करना है तो बी का ही स्ट्रक्चर लेंगे। बी जैसे कि एक हनी बी रहती है उसी प्रकार जो है हम लोग जो है इसका काम जो है शेप देने वाले, उसी प्रकार जो इसकी लुक आने वाली है। तो चलो गाइज, अगर आप चाहते हो एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं जो है माइनिंग की वीडियोज़ भी डालूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में जाकर ज़रूर बता देना, तो मैं माइनिंग की वीडियोज़ भी जो है डालता रहूँगा। ओके, मैं माइनिंग जो है ग्राइंडिंग जो है ऑफलाइन में करता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं ऑनलाइन में करूँ तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँ क्योंकि आपका भाई बैठा है नया यहाँ पे आपके लिए। ओके, तो चलो गाइज अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है हमारे गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो चल, सबसे पहले हमें ना एक जगह डिसाइड करनी है। ओके, तो जगह डिसाइड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बनो, ऊपर नहीं वो घर के आगे आएगा घर, क्योंकि घर को जो हम लोग जो है और एक्सटेंड करने वाले तो घर के पीछे बनाते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा घर के पीछे बनाएंगे। ओके, तो ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ओके, ये जगह परफेक्ट है, इसे जो है हम लोग जो है फाइनल कर देते हैं। ये जगह काफ़ी परफेक्ट है तो यहाँ से जो है हम लोग इसे बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके, उसके लिए हमें सबसे पहले मैं येलो कॉन्क्रीट को जो है मेरे इन्वेंट्री में फटाफट से जो है ले लेता हूँ। ओके, हमारे पास ढेर सारा जो है येलो कॉन्क्रीट जो है मैंने कलेक्ट कर लिया है ऑफलाइन में सर। तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंट डिसाइड करते थे, ये जगह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दे। फिर हमें यहाँ से जो है 6 ब्लॉक की जो हाइट देनी है, 6 ब्लॉक जो हमें ऊपर जाना है। तो ये हो गए 6 ब्लॉक। ओके, तो 6 ब्लॉक जो है हमने यहाँ पे लगा दिए है। तो फिर उसके बाद जो है हमें राइट साइड में जो है हमें 7 ब्लॉक जाना है। तो ओके, तो ये एक ब्लॉक लगा दिया, फिर दूसरा भी लगा दिया। ओके, फिर अभी यहाँ पे तीसरा। तो चलो गाइस, जिसे मैं जो है फटाफट से जो है कंप्लीट कर लेता हूँ, सबसे फटाफट से जो है 7 ब्लॉक जो है मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। ओके, तो चलो गाइज, मैंने जो है 7 ब्लॉक जो है यहाँ पे लगा दिए। अभी यहाँ पे हमें जो है लेफ्ट साइड की वॉल जो है कंप्लीट करनी है। ओके, वॉल नहीं आएगा, मतलब फ्लोर बेस ही आएगा हमारा। ओके, तो बेस को जो है हमें कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने 2 ब्लॉक लगा दिया तो ये टोटल 3 ब्लॉक हो गए। फिर उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक स्टेन ग्लास। ओके, ब्लैक स्टेन ग्लास नहीं, सॉरी, ब्राउन ब्लॉक चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक ब्राउन ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक ब्राउन ब्लॉक, तो ये मैंने लगा दिया। ओके, फिर उसके बाद आएगा फिर से एक येल्लो ब्लॉक। ओके, तो ये मैं लगा दे, तो ये लगा दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा एक ब्राउन ब्लॉक। ओके, तो ये भी मैं फटाफट से लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ब्राउन ब्लॉक। फिर उसके बाद जो है एक और येल्लो ब्लॉक आएगा। फिर उसके बाद आएंगे सीधे 2 ब्राउन ब्लॉक। ओके, तो ये मैं फटाफट से लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो है 2 ब्राउन ब्लॉक जो है लगा दिया। तो ओके, तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर तैयार। ओके, फिर उसके बाद जो है पीछे की जो वॉल रहने वाली, पीछे का बेस, पीछे का जो सीलिंग रहने वाला है वो पूरा का पूरा ब्राउन रहने वाला है। ओके, तो ये मैं एक लाइन जो है 7 ब्लॉक की लाइन जो है यहाँ पे मैं फटाफट से जो है कर लेता हूँ। ओके ओके, ये हो गया। यहाँ पे एक और ये तो चलो ये कंप्लीट हो गया। 7 ब्लॉक यहाँ पे मैंने जो है लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ से जो है जैसा कि हमने लेफ्ट साइड से किया वैसा ही राइट साइड से करेंगे। यहाँ पे 2 ब्लॉक ब्राउन ब्लॉक आ गए, तो उसके बाद एक येल्लो ब्लॉक आएगा, फिर से एक ब्राउन ब्लॉक यहाँ पे जो है आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और येल्लो ब्लॉक जो है हम लोग लगाने वाले हैं। फिर से एक और ब्राउन ब्लॉक यहाँ पे लगाएंगे, ये लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और येल्लो ब्लॉक लगाएंगे हम लोग। ओके, तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक और येल्लो ब्लॉक। ओके, तो गाइस जो है हमारा स्ट्रक्चर बेस का जो है स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो उसके बाद जो है इसे मैं फिल कर लेता हूँ, बस मुझे 2 मिनट यानी इसे मैं जो है फटाफट से जो है फिल कर देता हूँ। तो चलो गाइस, ये जो है हमारा बेस जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हो पूरा जो बेस है, नीचे का जो फ्लोर है ये मैंने पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद हमें अभी करना है, हमें जो है वॉल्स बनानी है। सबसे पहले वॉल्स बनाने से पहले मैं जो, तो चलो गाइस, सबसे पहले जो है मैं आगे का फेस जो है बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगाना है एक येल्लो ब्लॉक,
नहीं नहीं गलत हो गया यहाँ पे येलो ब्लॉक फिट के, तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं वॉल को जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे एक येलो ब्लॉक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे फिर से उस साइड से जैसे किया उसी साइड से जो है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तीन जो है येलो ब्लॉक आएंगे। ओके तो उसके बाद ये गलत हो गया, इसे मैं तोड़ देता हूँ। ओके ये भी तोड़ देता हूँ, ये गलत हो गया। यहाँ पे जो है हमारे ब्लैक स्टेन ग्लास आने वाले, तो उसे मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले ब्लैक स्टेन ग्लास जो है अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ फटाफट से, ये मैंने ले ली। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ब्लैक ग्लास, ब्लैक ग्लास को हम लोग लगाने वाले हैं 2x3 के फॉर्म में। ओके दो ब्लॉक यहाँ पे, दो 2x3 का। ओके तो नीचे दो आएंगे, ऊपर हाइट देंगे हम लोग 3 ब्लॉक की। ओके तो यहाँ से दो ब्लॉक, ओके तो उस साइड से भी यहाँ पे लगा दे, तो एक और यहाँ पे, एक और यहाँ से एक यहाँ पे, ये हो गया। ये पूरा ब्लैक स्टेन ग्लास का जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद जो येलो ब्लॉक को जो है हम लोग नीचे बीच में का जो है पूरा फिल कर देंगे येलो ब्लॉक को। ओके तो यहाँ पे एक ये और ये लास्ट वाला लग गया। ओके तो ये काम को जो है हमने कंप्लीट कर लिया। फिर ऊपर से जो है पूरी लाइन जो है हम येलो ब्लॉक से जो है फिल कर देंगे। ओके तो इसे मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ब्लॉक आएगा, उसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा, उसके सामने एक ब्लॉक आएगा, यहाँ पे बीच में जो आएगा ब्लैक स्टेन ग्लास बीच में आएगी। ओके तो ब्लैक स्टेन ग्लास जो है हमने यहाँ पे लगा दी, तो इसे मैं जो है पूरा फिल कर देता हूँ जिस प्रकार हमने अभी अभी जैसा किया उसी साइड से जो है इस साइड से हम लोग करने वाले। ओके तो यहाँ पे बीच में एक ब्लैक स्टेन ग्लास, यहाँ पे जो है येल्लो कॉन्क्रीट, तो ये पूरा हो गया। ओके तो इतना जो है हमारा बी का जो है फेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट इसे मैं तोड़ देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने हमने जो है बी का जो है फेस जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो ओके तो अभी जो है हमें बनानी है वॉल्स। ओके तो वॉल्स में हमें बनानी है 3-3 का जो मैं हाइट देकर जो है वॉल्स बनाऊँगा। ओके क्योंकि ये काम जो है फटाफट से करना, फटाफट हो जाएगा। ओके 3-3 की अगर हम लोग जो है हाइट देंगे। ओके तो इसे मैं जो है फटाफट से जो है कर लेता हूँ गाइस। ओके इतना मैं काम करके फटाफट से जो है आपसे आकर मिलता हूँ। तो चलो गाइस वॉल का काम जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरी वॉल जो है फटाफट से जो है फिल कर दिए। तो ओके तो यहाँ पे अभी हमें बनाना है ऊपर का सीलिंग। ओके तो ऊपर का छत जो है हमें बनाए, तो ये मैं फटाफट से जो कर ले, तो यहाँ पे ब्राउन ब्लॉक की पूरी लाइन आएंगी। ओके एक और एक एक लास्ट। ओके तो यहाँ पे हो गया, अभी हम लोग जो सबसे पहले मैं ब्राउन ब्लॉक लगा देता हूँ, यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट कर देता हूँ, एक लास्ट वाला बचा। ओके तो यहाँ से फिर येलो ब्लॉक, फिर से जो है बीच में येलो ब्लॉक्स आएंगे। ओके जिस प्रकार हमने नीचे का किया लो वॉल का किया, उसी प्रकार जो है हम लोग रूफ़ को रखने वाले, अंदर से हम लोग रूफ़ को चेंज करेंगे। ओके पर ऊपर से जो है रूफ़ जो है सेम होगी। ओके तो यहाँ पे येलो ब्लॉक लगा देता हूँ, फिर हमें येलो ब्लॉक निकालने की नौबत नहीं आएगी। तो ब्राउन ब्लॉक जो है यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक लास्ट लाइन बची है, तो इसे भी मैं जो है फटाफट से लगा देता हूँ। ओके तो सबसे पहले अभी हमें जो है नीचे जाना होगा, तो मैं जंप कर देता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी हिल गई, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। ओके तो ये हो गया हमारा जो है काम हो गया। तो अभी हमें जो है डोर बनाना आने जाने के लिए, पीछे से जो हम लोग इसका डोर बनाने वाले, तो बीच में जो है दो ब्लॉक जो है मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ, ताकि हमें जो है आने जाने में दिक्कत ना हो। ओके तो इससे जो ये गैप रहेगा, तो इसे भी मैं फटाफट से जो है भर देता हूँ। ओके लग जा, ओके 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 तो ये लग गया। ओके तो गाइस इतना जो है हमारा काम जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें जो है ऊपर आने जाने के लिए, सबसे पहले मैं एक कुछ तो भी स्ट्रक्चर, कुछ तो भी जिसे जैसा मन में आए वैसा जो है मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे। ओके लग जा। ओके तो नीचे ही जाना पड़ेगा, थोड़ी सी हिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट से। इस प्रकार जो है यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ये गलत लग गया, तो ठीक है इसे यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इसके आगे नीचे लगा देता हूँ। ओके नीचे और बीच में। ओके तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऊपर आने जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लगा देता हूँ। ओके तो यहाँ से जो है हम लोग ऊपर आने जाने के लिए जो है उसमें ये टेम्प्ररी है, इसे हम लोग जो है चेंज करने वाले। ओके ये टेम्प्ररी है। ओके तो ये कॉलम जो है मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ, ये बीच में आ रहा है, इससे जो है लुक हमारी बहुत ही घटिया लग रही है, तो इसे मैं तोड़ देता हूँ। ओके गाइस तो चलो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो बी हाउस है किस प्रकार लग रहा है, एकदम बी के जैसे माफिक लुक आ रही है इसकी।
ओके तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ एक और चीज़, अगर आपने अपने भाई को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक है, प्लीज़ वहाँ पर जाओ और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो। ओके क्योंकि क्या है, मैं सारी अपडेट जो इंस्टाग्राम पर देता रहता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करो। ओके गाइस तो तब तक के लिए गुड बाय, अपने फैमिली का ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।